अस्सलाम टू क्लास, नाउ ओपन योर बुक्स ऑफ सोशल स्टडीज़ पेज नंबर 26। वी विल डू द वर्क पेज। फाइंड आउट व्हाट यू नीड टू मेक द फॉलोइंग फूड्स। वो कहते हैं कि आप मालूम करें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी टू मेक द फॉलोइंग फूड्स, इन फूड्स को बनाने के लिए, इन इस खुराक को बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी। नंबर वन पे उन्होंने दी हुई है हमें आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मिल्क, दूध की। इधर आप लिख दें मिल्क। नेक्स्ट है ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? फ्लोर, आटे की, FLOUR, फ्लोर। कबाब्स, कबाब बनाने के लिए मीट, MEAT, मीट। एंड ऑमलेट, ऑमलेट बनाने के लिए किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है? एग की। एग ना हो तो हम ऑमलेट बना ही नहीं सकते। जैम बनाने के लिए फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। लास्ट है बिरयानी। बिरयानी के लिए क्या चीज़ आपको चाहिए होगी? चिकन एंड राइस, CHICK, CHICKEN, चिकन AND RICE, राइस, चिकन एंड राइस। ओके, बाकी ये जो बी और सी एक्टिविटी है ये स्किप है, ये आपने नहीं करनी। और साथ में हम इसकी रीडिंग करते हैं नेक्स्ट लेसन नंबर 10 की। ओके, रीड आउट आफ्टर मी। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वियर क्लॉथ्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। In some parts of the world, it is very cold. People wear clothes made of wool and fur to keep warm. In other parts of the world it is hot. People wear clothes made of cotton to keep cool. Men and women wear different clothes. In Pakistan, you will see people dressed like this. People in other countries dress in different kinds of clothes. A Burmese lady in a cotton blouse and skirt. A Nigerian wearing a cotton robe. A Japanese lady dressed in a kimono. An Inuit clothes are lined with fur. Okay, right here, today's date 6